22 जुलाई को हुए एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें विवाहिता को उसके पति ने गला घोट कर मार डाला, फिर फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक सागौर निवासी शिवानी का 21 वर्षीय पति सतीश से पूर्व पत्नी को लेकर मनमुटाव चल रहा था। इसी बात को लेकर सतीश अपनी पत्नी से कहा सुनी हो गई। यह वाद विवाद इतना बढ़ गया कि सतीश को गुस्सा आया और शिवानी से मारपीट शुरू कर दी। इस बीच शिवानी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो सतीश ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले शिवानी के शव को फांसी के फंदे पर लटकाया, फिर उसके दोस्त शिवम, राहुल, अर्जुन, मनीष को बुलाया। जब वह पहुंचे तो उसने पूरा घटनाक्रम उसको बताया। तब उसके दोस्त राहुल उर्फ राणा ने सतीश से कहा कि पुलिस को रिपोर्ट करोगे तो फंस जाएंगे, हम लोग शिवानी की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। जिस पर सभी की सहमति बनी और एक बोरी में भरकर शिवानी की लाश को गाड़ी में डिक्की में डालकर जिला इंदौर के ग्राम गौतमपुरा के जंगलों में ले गया, जहां पर पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे शिवानी का मुंह और बाल जल गए। उसके बाद बोरे से मुंह बंद करके उसे चंबल नदी में फेंक दिया। सागर पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है, बाकी अपराधी अभी फरार है, पुलिस पकड़ने में जुटी है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।